और आइए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बड़ी खबर दिखा रहे हैं हम आपको राजधानी भोपाल से, जहां पर मेरिट के छात्रों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। मांगे पूरी न होने के चलते आंदोलन की चेतावनी दी। मेरिट के छात्रों ने नहीं लिया एबीवीपी का समर्थन, एबीवीपी ने भी दिया उग्र आंदोलन की चेतावनी। और मामले को लेकर हर स्तर पर बात करने की बात कही। तो आपको बता दें कि मेरिट के छात्रों का सुबह से ही प्रदर्शन जारी है। और मेरिट के छात्रों के प्रदर्शन का हमारे संवाददाता दुर्गेश ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े टेक्निकल कॉलेज यानी एमएससीटी कॉलेज के बाहर छात्रों का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। स्वदेश न्यूज के माध्यम से ये तस्वीरें देख सकते हैं कि छात्र किस तरह से एमएससीटी के गेट पर किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर वंदे मातरम, एमएससीटी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से एमएससीटी प्रबंधन ने 75% अटेंडेंस को लेकर जिस तरीके से सर्कुलर आदेश जारी किया है कि 75% से कम अगर अटेंडेंस है तो उन बच्चों को परीक्षा पर नहीं बैठने दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनको भविष्य का खतरा है और साथ में एग्जाम नहीं दे पाने की वजह से, परीक्षा नहीं दे पाने की वजह से उनके साल बर्बाद होने का खतरा है। यहाँ पर हजारों की तादाद में छात्रों ने एमएससीटी प्रबंधन के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है और हजारों की तादाद में छात्र यहाँ पर मौजूद है जो कि एमएससीटी प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप ये तस्वीरें स्वदेश न्यूज के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं एमएससीटी प्रबंधन के खिलाफ में, किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी के साथ साथ में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? सर, हम लोग मेरिट प्रशासन के जो भ्रष्टाचार अंदर चल रहा है, जो मनमानी चल रही है, हम उसके खिलाफ है सर, और उसी के विरुद्ध हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो छात्र की बात नहीं मानी जा रही है, जिसके लिए हम लोग विरुद्ध हैं। क्या 75% जो अटेंडेंस का सर्कुलर आदेश जारी किया है एमएससीटी प्रबंधन से, उससे क्या खतरा है बच्चों को? बच्चों के प्लेसमेंट में खतरा है, वो तैयारी करें या फिर अटेंडेंस के लिए जाए क्लास में। इंटरव्यू भी चल रहा है उस टाइम, लोग इंटर्नशिप चल रहे हैं, प्लेसमेंट चल रहे हैं फोर्थ ईयर के, तो वो तैयारी करें इंटरव्यूज की या फिर अटेंडेंस करें? सर, हम लोग यही प्लेसमेंट का दौर चल रहा है, उसी वक्त हमारा क्लासेस भी ली जा रही है और उसी वक्त हमें पीपीटी भी पावर पॉइंट प्रेजेंट। प्रबंधन को लेकर बात हुई प्रबंधन से? यस सर, प्रबंधन से बात। सर, वो बात सुनने को तैयार नहीं है अभी, जिसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्पष्ट तौर से आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं छात्रों में एक रोष, छात्रों में क्रोध है एमएससीटी प्रबंधन के खिलाफ में। छात्रों का मानना है कि अभी तक प्रबंधन से किसी प्रकार कोई बात नहीं हुई है। कहीं ना कहीं अगर इस तरह से 75% अटेंडेंस को लेकर, 75% अटेंडेंस के बिना अगर सरकारी आदेश जारी करता है और एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है तो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। इसी के साथ में वह 75% अटेंडेंस क्लास अटेंडेंस इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्लेसमेंट का खतरा है। प्लेसमेंट में नहीं जा सकते हैं, ट्रेनिंग में नहीं जा पाएंगे, इंटर्नशिप में नहीं जा पाएंगे, तो तमाम तरह की परेशानी है बच्चों के साथ में। यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद है। सर जी, क्या आदेश है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, मेरिट के छात्र हम लोग एबीवीपी से हैं और हम लोग एबीवीपी पूरा पुरजोर समर्थन कर रही है मेरिट के छात्रों। इनमें क्या हुआ है कि जो इनकी प्लेसमेंट प्रक्रिया होती है, तीनों ने पहले करवा ली और बच्चों पे ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि आपकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। मैं ये स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि ये जो 600 स्टूडेंटों को डिटेन कर दिया गया है, अगर इसको प्रशासन वापस, यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, बच्चों के पहले चलते हैं। सर, कहीं ना कहीं बच्चों में आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है बच्चों के द्वारा मेरिट प्रबंधन के खिलाफ में, बच्चों का मानना है कि जिस तरीके से 75% अटेंडेंस को लेकर जो सर्कुलर जारी किया गया है, प्रबंधन को वह वापस लेना चाहिए। कैमरामैन सेलिन के साथ दुर्गेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज भोपाल।